सीधे एक जगह पहुंचते हैं आरा में। आरा में एक ऐसी संस्था, एक युवा व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको लोग कहते हैं कि नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सरकार से तेजस्वी यादव जी के सामने, सरकार के सामने नतमस्तक हैं सभी युवा। हम चाहेंगे कि एक एग्जाम्पल को देने के लिए, एक दृष्टांत समाज में, नोटिस फॉर द यंग बॉय या गर्ल्स यू कैन से हियर टू, कि देखिए एक खड़े हैं हमारे बगल में, उन्होंने अपनी मेहनत से या जिस तरह से हो, आपको नन आपको प्रॉफिटेबल्स इसको कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा दृष्टांत आरा से। हम क्या नाम आपका? हिमराज सिंह। ये बताइए कि हम जहाँ खड़े हैं क्या? अभी आप भोजपुरिया हुनर हाट में खड़े हैं। हुनर हाट, इसका एक वर्ष पूर्व उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। यह हमारी संस्था है जन विकास क्रांति, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और हमारे साथ जो भी प्रतिभागी जुड़ते हैं एज ए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उन ट्रेनिंग लेने के बाद विभिन्न तरह का हमारे पास प्रशिक्षण है, जिसमें ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना जो प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं, वो बनाते हैं अपने हाथों से, उन्हें हम एक बाजार उपलब्ध कराने के लिए भोजपुरिया हुनर हाट का स्थापना किए हैं। भोजपुरिया हुनर हाट में समझ गया था, ये जो बना हुआ सब जितने अच्छे अच्छे सब लकड़ी का वेस्टेज क्या होते हैं? ज्यादातर हमारे यहाँ जो इतने भी प्रोडक्ट बने हुए वेस्टेज मटेरियल का उपयोग करके बनाए गए हैं। जैसे कतरन बच जाता है कपड़ा का, वो या चाय का कप टूट गया, उसका उपयोग करके टिन का डब्बा आप देख सकते हैं इधर सब रखा है। ये सब मतलब घर में जो वेस्टेज बोतल हो गया, सॉस का बोतल, उसका राइफल रखे हैं घर दुकान में, यह लकड़ी का बना हुआ राइफल है बच्चों को खेलने के लिए, या घर में आप रख सकते हैं इसको। इसके अलावा यह सब जो है, यह हैंडीकैप पर्सन हमारे जो ट्रेनिंग लिए हैं वो लोग बनाते हैं। वुडन आर्ट में हमारे ज्यादातर वैसे ही कारीगर हैं जो चलिए अब शुरुआत करते हैं बैक टू द कनेक्टेड। जो भी पॉट बनाया गया है, जो कि फेविकॉल के डिब्बे से, जो एक रुपये का भी बिक्री नहीं होगा, उससे यह बनाया गया है। यह तौलिया से बनाया गया है इस पॉट को, इसमें रियल प्लांट है सर, तो इस तरह से आप अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। यह मेरे पास पुरानी लकड़ी, एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया गया है। यह देख सकते हैं यहाँ पे बांस के बल्ला का जो है वो सब बनाया गया है, जूट आर्ट। यहाँ पे लड़कियाँ ये लोग अभी बना रही हैं, जो यह जूट से बन रहा है, जूट और फुट का उपयोग करके, सूत्री है, सूत्री का उपयोग करके बना रही है। ये सब कुशन सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, वो ट्रेनिंग के बाद वो अपना प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को हम लोग मार्केट इस भोजपुरिया हुनर हाट के माध्यम से देते हैं। और भी अंदर सब अब संस्थान क्या क्या चलाते हैं? संस्थान में हमारा मुख्य रूप से जो हैंडीक्राफ्ट का है, उसमें वुडन आर्ट का है, लकड़ी के खिलौने क्राफ्ट इसका बनाने का। हम अभी नाबार्ड के सहयोग से चलाए थे वेस्टेज मटेरियल से ट्रेनिंग LEDP कार्यक्रम के तहत। उसमें होता है कि हम समूह की महिलाएं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती हैं, तो उन लोग को हम उनके टेक्नोलॉजी को एडवांस करके अपने बाजार में बेचने लायक उनको प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बना रही है लोग, उनका ही बनाया हुआ यह सब जूट का डॉल वगैरह है जो आज बाजार में जाने के लिए तैयार है। तो उसमें हम लोग 90 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं, वो हमारे साथ जुड़ के काम कर रही हैं। 60 वैसे पर्सन हैं जो हैंडीकैप थे, वो लोग गिफ्टेबल फाउंडेशन एक संस्था है उसके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, तो वो लोग का बनाया हुआ वुडन आर्ट है। इसके अलावा हम कुशल युवा कार्यक्रम, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, वोकेशनल ट्रेनिंग में हम ब्यूटिशियन, सिलाई, ड्रेस डिजाइनिंग एंड टेलरिंग का कोर्स और विभिन्न तरह के ट्रेनिंग कोर्स हम चलाते हैं। चलिए आप बहुत कुछ चलाते हैं, क्या संवाद देते हैं बिहार के नए युवकों को, नए युवतियों? हम बिहार के युवाओं से यही अपील करेंगे कि वो अपना समय वेस्ट न करें। अगर उन्हें नौकरी में जाना है तो ठीक है, लेकिन नौकरी के तैयारी के साथ साथ वो साइड से कुछ अपना कुछ कुछ करते रहें, जिससे अगर वो नौकरी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनका जो समय लगता है नौकरी की तैयारी में, उसके बाद वो धराशायी हो जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। अगर छोटा छोटा भी काम वो अपने साथ करते रहें तो एक अच्छा उनके पास मौका। मोदी जो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लगता है कि आप शिष्य हैं? आप नहीं, शिष्य नहीं है, वैसे तो मार्गदर्शक हैं मोदी जी, ऐसा हम इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन हम यह चीज कहेंगे कि अपने से भी सोचना है कि अगर नौकरी नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे। जैसे हम ही अपना एक एग्जाम्पल दें, तो हम नौकरी भी किए, नौकरियां छोड़ के पूरा टाइम समाज को दे रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं वैसा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म क्रिएट है। इस पर गवर्नमेंट क्या सुविधा देती है?
हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग फंडिंग होता है, कुछ प्रोजेक्ट पे फंडिंग है, कुछ सेल्फ। अच्छा, सपोज माने कोई नया कोई कोई एनजीओ खोले आपके साथ असिस्ट करे, तो क्या आप कोऑपरेट करेंगे? हाँ, पूरी अच्छी तरह से हम कोऑपरेट करेंगे, क्यों नहीं। हमारे नया रॉ कोई एनजीओ खोलता है और उसके पास सब कुछ है, अगर आपसे टैग किया जाए तो आप उसको क्या मदद कर सकते हैं? उनको देखिए, एनजीओ लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, और एक अच्छा एनजीओ चलाने के लिए विभिन्न तरह के चीजों की नहीं तो जानकारी। प्रशिक्षण हुआ, आप क्या कोऑपरेट कर? हम उनको बहुत सारे कोऑपरेट कर सकते हैं, उनका जो उम्मीद होगा, जैसे हमसे जो हेल्प लेना चाहते हैं, हमसे जो जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे अगर विभागीय कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के बारे में जानकारी चाहिए या ट्रेनर के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम वैसे हम तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं अपने सहयोगियों के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप देखते हैं एक युवा ने जो आपके सामने कहा, हम चाहेंगे कि बिहार के युवा इस वीडियो को देखें और इस वीडियो पर कुछ समझें और इसका अर्थ लगाएं। बस इन्हीं के साथ बैक होते हैं। जय हिंद।